हेडलाइट कुछ आपको इस तरह का यहाँ पे दिखेगा। आपको फ्रंट से कुछ इस तरह का आपका 2Q मिलेगा आपको, जो सबसे पहले यहाँ पे लगेगा आपने के लिए। आपको एक बार ये 1 हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं सारा फंक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। देख सकते हैं कि आपके लिए टॉर्क का एक मतलब जो बाइक इस बार सबसे बेहतरीन जो मार्केट में भी चल रहा है, मतलब इससे अगर कंपेयर करें प्राइस के हिसाब से, तो इसके कंपेयर में आपको इलेक्ट्रिक बाइक कोई भी नहीं मिलने वाला है, सबसे प्लस पॉइंट। तो इसके पहले अगर कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे ही बाइक का रिव्यू वगैरह सारा कुछ हम लेके आते रहते हैं। अगर कोई भी बाइक से रिलेटेड चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे जाके हमको कमेंट करके बता सकते हैं, या तो डायरेक्ट DM कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। कोई भी बाइक से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक हो, कुछ भी हो, तो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, हम जरूर लेके आएंगे। तो किसी का कमेंट आया था कि हमको इलेक्ट्रिक बाइक का चाहिए, तो उसके लिए लेके आए हुए। तो सकते हैं मतलब सबसे पहले कि ये आपका टॉर्क कंपनी का है, ठीक है? ये टॉर कंपनी का क्रोटोस इसको एक नाम दिया गया है, तो इसका एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं कि ये उसका एक 2Q है, जो इसको लगाने के बाद हमको अगर 1 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हेडलाइट कुछ आपको इस तरह का यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसका लुक वाइज, अगर बात करते हैं इसका लुक वाइज, तो ये सामने से फ्रंट लुक अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का दिखेगा आपको LED हेडलाइट के साथ। ये आपका दिखेगा आपको इधर से, मतलब बात करें तो फ्रंट लुक है। बाकी ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का इंडिकेटर दोनों LED में आएगा। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड अब आ जाते हैं ही, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका मतलब टैंक का जगह जो बनाया गया है, वहाँ पे आपका ये नाम मिलेगा। उसके बाद इसके नीचे अगर आ सकते हैं तो दिखेगा आपको कुछ यहाँ पे लियोन का बैटरी, कुछ इस टाइप का। बाकी ये मतलब राइडर के लिए फुटरेस्ट, और ये पिलियन को बैठने के लिए 2 फुटरेस्ट आपको मिलेगा आपको। और इधर से अगर बैक साइड का बात करें, तो बैक साइड से देख सकते हैं कि कुछ स्पोर्टी लुक इस तरह का इसका मॉडिफाई किया गया है, कि आप देख सकते हैं खुद ही कि कितना अमेजिंग लुक बनाया गया है, वो भी LED इंडिकेटर के साथ। सबसे अमेजिंग लुक अगर कुछ लगता है ना बाइक में, तो एट ए फर्स्ट आपको लगेगा ये LED इंडिकेटर, जो बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आ जाएगा, ये देख सकते हैं आपका ये स्पेस आपका यहाँ पे दिया हुआ। बाकी बैकलाइट का बात करें तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा इसमें, ये भी LED ही है। मतलब ये सारा कुछ आपका मतलब हेडलाइट से इंडिकेटर, बैकलाइट कुछ भी बात करें तो सारा का सारा इंडिकेटर ही आएगा। उसके बाद आ जाइए आप यही राइट साइड से, तो देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आपको इधर यहाँ पे दिखेगा, देख सकते हैं। तो अगर लुक वाइज देखा जाए ना, तो आपको देखने में ये लग ही नहीं सकता कि एक मतलब ये मतलब इलेक्ट्रिक बाइक है। अगर लुक वाइज मतलब देखिए, अगर मतलब बहुत दूर से या तो नज़दीक से भी कोई देखे ना, तो आपको ये नहीं पता कर पाएगा कि ये इलेक्ट्रिक है या तो फिर फ्यूल वाला है। अब बात करते हैं मगर फ्रंट टायर से, तो टायर का साइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखेगा आपको 17 इंच अलॉय व्हील के साथ। और अगर बात करें हम टायर का साइज, जो देख सकते हैं काफ़ी हेवी साइज़ दिया गया, 90, 80 और 17, मतलब ये 17 इंच का अलॉय व्हील के साथ, जो फ्रंट और रियर दोनों अलॉय व्हील आपका सेम साइज़ का आएगा 17 इंच का। और ये डबल डिस्क ब्रेक में है, मतलब आपका फ्रंट और रियर दोनों का दोनों डबल डिस्क ब्रेक है। ड्रम इसमें आपको नहीं मिलेगा, जो सबसे अमेजिंग चीज़ है, मतलब बेहतरीन ब्रेकिंग के लिए आपको सबसे पहले ये बाइक में जो होता है ना कि आपको डिस्क ब्रेक ही ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ है। बाकी आप नीचे आ जाइए तो देख सकते हैं ये रियर टायर हो गया, तो रियर टायर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। और रियर टायर का साइज का बात करें तो ये भी देख सकते हैं आपकी 120, 80 और 17 इंच का अलॉय व्हील के साथ आपको 120, 80 इंच का मतलब टायर मिल जाता है इसमें। और ये आपका रियर ब्रेक है, डिस्क ब्रेक, जो आप देख सकते हैं। और ये राइट साइड भी आपका एक मतलब राइडर और पिलियन का बैठने के लिए मतलब फुटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा आपको कुछ इस तरह का, जो ये आपका ऑटो एडजस्टेबल है और ये आपका फोल्डेबल है, जो इजीली आप इसको फोल्ड करके आराम से रख सकते हैं। बाकी दोनों का दोनों टायर आपका MRF का ही मिलेगा, जो काफ़ी हेवी क्वालिटी में है। आपको कोई मतलब ऐसे नॉर्मल टायर आपको नहीं मिलेगा, मतलब टायर का बात करें तो बहुत हेवी टायर इसमें कंपनी ने दे रखी है। और अगर सस्पेंशन का बात करें तो नॉर्मल टेलीस्कोप जो आता है, जो हेवी क्वालिटी में है, आप देख सकते हैं कि इसका मतलब एक साइज जो होता है ना कि नॉर्मल साइज है, मतलब क्वालिटी ऐसा नहीं है, बहुत बेहतरीन साइज में आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन मिलेगा आपको फ्रंट में। उसके बाद रियर सस्पेंशन का बात करें तो एक मतलब मोनो सस्पेंशन जो होता है, जो बीच में लगा होता है, वो आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरह का यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद देख सकते हैं ये आपको 2 मिरर मिल जाएगा आपको दोनों साइड से कुछ इस तरह का। और यहाँ पे आपका नॉर्मल वैसे ही जो स्विच आपको आता है, ये लो बीम, हाई बीम और ये पासिंग का स्विच, बाकी इंडिकेटर लेफ्ट राइट, ये सारा कुछ अभी ऑन करके आपको दिखाएंगे। और ये हॉर्न का स्विच इधर से आ जाएगा, बाकी इधर आपका मतलब ये राइड को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए ये सारा कुछ यहाँ पे स्विच मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आपको 3 मोड मिल जाएगा, चार मोड मिल जाएगा आपको, इको मोड, स्पोर्ट मोड और सिटी मोड, ठीक है? तो ये सारा कुछ हो जाएगा मिलेगा इसमें आपको। बाकी ये देख सकते हैं आपको मतलब 4 कलर वेरिएंट इसका मतलब मिलेगा। अगर कलर चार्ट का बात करें तो 4 कलर अवेलेबल होगा आपका, ये चारों कलर आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी बाइक भी आपको चारों कलर में हम आपको दिखाएंगे। और अगर इसका टॉप स्पीड का बात करें तो 105 मतलब 100
5 किलोमीटर प्रति आवर का इसका आपका स्पीड मिलेगा, और अगर 0 to 40 का स्पीड का बात करें तो 3.5 सेकंड में। और अगर कलर का बात करें तो देख सकते हैं कलर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। अभी आपको जो देख सकते हैं यहाँ पे एक ये जो ब्लू में है, नेवी ब्लू टाइप का जो भी कलर है देख सकते हैं, और एक ये आपका ये कलर मिल जाएगा आपको जो कुछ ग्रे टाइप से, मतलब मैट ब्लैक अगर जो भी बोले, मतलब ये कलर एक कुछ अलग टाइप का है। मतलब देखने में आपको 2-3 कलर दिखेगा अगर अलग अलग एंगल से देखिएगा, तो कभी ब्लैक दिखेगा तो कभी मैट ब्लैक में दिखेगा, तो फिर ऐसे देख सकते हैं तो हल्का हल्का मतलब एक होता है ना कि बैंगनी टाइप का, तो उस टाइप का कलर आपको दिखेगा। और एक ये आपका मिल जाएगा वाइट कलर, जो सबसे रॉयल कलर होता है एक तरफ से देखा जाए तो, वाइट फेवरेट कलर होता है बहुत लोगों का, मतलब जिसको कलर नहीं समझ में आओ एक ऑप्शन रखता है वाइट कलर, तो उसके लिए ये बेहतरीन कलर ऑप्शन है जो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का इंडिकेटर हो गया, और ये आपका राइट साइड का इंडिकेटर, और ये हॉर्न का स्विच। बाप रे, हॉर्न तो काफ़ी कमाल का दिया हुआ है इसमें। तो बाकी इसमें बैकलाइट आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, अगर ऑन करते हैं तो देख सकते हैं बैकलाइट कुछ इस तरह का दिखेगा। बाकी ये इंडिकेटर लेफ्ट और ये राइट। बाकी इसमें एक और फंक्शन दिया हुआ है हजार्ड लाइट, जो इस तरह का आपको कुछ दिखेगा इसमें। मतलब एक तरफ से बोला जाए ना कमाल लगता है देखने में, ये बाइक नहीं है, मतलब एक तरफ से बोला जाए ना कि ये एक अलग लेवल का बाइक दिख रहा है हमको। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं इसका रेंज, कि आपको ये इसका बैकअप क्या रहेगा, मतलब क्या रेंज देगा आपको, एक बार चार्ज करने के बाद कितना किलोमीटर चलेगा। तो इसका अलग अलग मोड है, तीन मोड है, तो तीनों मोड में अलग अलग पावर मिलेगा, मतलब एक टॉप स्पीड मिलेगा आपको और अलग अलग रेंज मिलेगा। तो इसका हम एक एक मोड का बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए इको मोड। तो इको मोड का अगर बात करें तो 50 का आपको टॉप स्पीड मिलेगा और 120 का रेंज, मतलब 120 किलोमीटर आप नॉर्मली चल सकते हैं। उसके बाद आता है सिटी मोड। तो सिटी मोड का स्पीड आपका आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति आवर, और अगर रेंज का बात करें तो 100 किलोमीटर आप चल सकते हैं फुल चार्ज करने के बाद। उसके बाद स्पोर्ट मोड में अगर बात करें तो आपको टॉप स्पीड आ जाएगा 105, मतलब 105 किलोमीटर, मतलब ये आपका प्रति आवर आपका स्पीड हो गया, मतलब 105 का टॉप स्पीड। और अगर इसका रेंज का बात करें तो 90 किलोमीटर, मतलब अलग अलग मोड में अलग अलग आपको रेंज मिलेगा और अलग अलग स्पीड मिलेगा। तो ये सारा कुछ है। बाकी अगर चार्जिंग का बात करें तो आपको 4 से 5 घंटा में आपका फुल चार्ज हो जाएगा, 4 to 5 आवर में आपका 0 to 100 चार्ज होने में ये टाइम लगेगा। बाकी इसमें ऑप्शनल दिया गया है, इन फ्यूचर इसका जो फास्ट चार्जिंग वगैरह जो सिस्टम इसका आएगा तो उसमें बाद में आपको इसमें कर सकते हैं, और जब तक आप प्लान करते हैं तब तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो शोरूम है इसका सारा कुछ डिटेल हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। कोलकाता का शोरूम है, और तो सारा कुछ आपको नीचे मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और अगर लोकल को हैं तो आके विजिट कर सकते हैं, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और भी बाइक में बहुत सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, जो एक एक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, या आपको कुछ यहाँ पे अगर कुछ वैसा आपको ज़रूरी का लगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बात करें अगर इसका मेक शोरूम प्राइस तो 1,68,000 ऐसे अप्रोक्स कुछ आपको समथिंग पड़ेगा, और अगर ऑन रोड का बात करें तो 1,93,000 समथिंग आपको ये कोलकाता में पड़ेगा इस शोरूम में। तो ठीक है, आज का यहीं पे सारा कुछ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।